हेलो स्टूडेंट्स, तो करंट अफेयर की जो है वो नेक्स्ट सीरीज जो आई है स्टडी सर्विस की तरफ से जो है वो लाई गई है। तो आज जो हम देखेंगे कि करंट अफेयर में जो है वो क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे। उससे पहले जो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो है वो लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। आप वहां पर भी जो है हमें फॉलो कर सकते हैं और डेली के डेली जो है आपके करंट अफेयर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, उससे अपडेट रह सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, जो भी एचपी के एग्जाम है उससे रिलेटेड अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है जो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा, तो आप जो है उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके द्वारा जो है आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। फर्स्ट आपका करंट अफेयर है आज का, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट करंट अफेयर से। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, जो आपका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है वो हर साल जो है वो कब मनाया जाता है? जो आपका नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है वो मनाया जाता है आपका 23 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है, हर साल ये मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम रहेंगे आपके जो भी आपके टीजीटी और आपके टैट के रहेंगे तो आपके जो है करंट अफेयर यहीं से बन जाएंगे। जो भी डेज आपके मनाए जा रहे हैं जुलाई में तो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 23 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, India has joined hands with which of the following country to develop rapid testing for COVID-19 in under 30 seconds? तो हाल ही में जो आपका इंडिया है उसने जो है वो 30 सेकेंड में COVID-19 का जो है वो तेजी से टेस्ट जो है वो विकसित किया है। तो किस देश के साथ जो है वो मिलकर ये टेस्ट तैयार किया गया है? तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा इसराइल। ऑप्शन डी आपका जो है वो सही आंसर रहेगा इसमें। जो आपका इसराइल है उस और जो इंडिया है वो जो है वो जो है वो तैयार कर रहे हैं, जिससे जो है वो 30 सेकेंड के अंदर ही हमें इस बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कितने जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इसराइल की अगर हम बात करें तो इसराइल की कैपिटल है यरूशलम। यरूशलम जो है वो यहाँ की कैपिटल है। और इसकी करेंसी की बात करें तो न्यू शेकल जो है वो इसकी करेंसी है। जो आपकी वर्ल्ड की कंट्रीज रहती हैं उसकी कैपिटल एंड जो आपकी करेंसी रहती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो करंट अफेयर्स के साथ आपकी जो है कैपिटल एंड करेंसी जो है वो क्लियर हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, नेशनल थर्मल इंजीनियर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, जो आपका थर्मल इंजीनियर डे है वो हर साल जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 जुलाई को। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो 24 जुलाई को जो है आपका थर्मल इंजीनियर डे मनाया जाता है। जो भी थर्मल इंजीनियर हैं उनके जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसे याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फोर्थ है आपका, रिसेंटली द DRDO हैज एस्टेब्लिश्ड COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च दिहार इन
जो आपका जो हाल ही में डीआरडीओ ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड में कोविड 19 के परीक्षण की जो है वो सुविधा प्रदान की है, तो आपका जो ये बिहार है ये कहाँ पर है, ये आपका संबंधित है, ये जगह जो है बिहार ये आपकी लेह में है, तो लेह में जो है ये आपके फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो बात करें डीआरडीओ की, तो ये जो डीआरडीओ बिहार है इसकी जो है वो लेबोरेटरी स्थापित की गई थी लद्दाख में। कब की गई थी? 1960 में जो है वो लद्दाख में डीआरडीओ बिहार में एक लेबोरेटरी जो है वो स्थापित की गई थी। और इसके तहत जो है वो जो हमारे सोल्जर हैं उनको जो है वो फ्रेश फूड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, जो फ्रेश फूड की जो नीड रहती है हमारे सोल्जर्स को, तो वो जो है वो इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, पूरी की जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड स्मार्ट बैंड टू ट्रेस कोरोना वायरस पॉजिटिव एंड सस्पेक्टेड पेशेंट्स। किसने जो है वो हाल ही में आपका कोरोना वायरस है उसके लिए जो है उसके चलते पेशेंट जो रहते हैं उनके बारे में उससे पता चलता है, तो किसके द्वारा जो है ये रिस्ट बैंड जो है वो तैयार किया गया है, ये तैयार किया गया है रिस्ट बैंड आपका एम्स नागपुर द्वारा जो है ये स्मार्ट रिस्ट वो जो बैंड जो है तैयार किया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एम्स नागपुर द्वारा आपका स्मार्ट रिस्ट बैंड तैयार किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सिक्स है, क्वेश्चन सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रोल्ड आउट एन इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। तो किस बैंक के द्वारा जो है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट यानी आपका इंस्टा क्लिक बचत खाता जो है वो शुरू करने की बात की गई है, तो किस बैंक द्वारा जो की गई है आपका जो है वो इनमें से राइट आंसर रहेगा, कौन सा बैंक है आपका, आपका रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके द्वारा जो है इंस्टा क्लिक बचत खाता जो है वो खोले जाने की शुरुआत की गई है। तो इसकी बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी जो है वो स्थापना कब की गई थी, 1908 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी अगर हम एमडी एंड सीईओ की बात करें तो कौन है वो हाल ही में आपके हैं, संजीव चंदा जो है वो इसके सीईओ एंड एमडी हैं। और चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन है आपके हर्षमुल्क अंधाई जो है ये इसके चेयरमैन है। तो किसके द्वारा जो है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट खोले जाने की शुरुआत की गई है, तो आपके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सेवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टेक द चेयरमैन एंड सीईओ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। जो आपका ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेटवर्क है, तो इसके जो है वो हाल ही में सीईओ जो है वो का पद जो है वो कौन संभालेगा, तो इसका जो है वो राइट आंसर है जो आपके आलोक मिश्रा हैं वो हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का जो है वो सीईओ का जो है पद संभालेंगे। तो आपका जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर हम बात करें माइक्रो फाइनेंस की, तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री क्या है, ये जो है एक छोटा इसके द्वारा जो है जो भी छोटे छोटे उद्योग लगाए जाते हैं उसके लिए जो लोन रहता है वो इनके द्वारा जो है वो
माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री द्वारा जो है वो दिया जाता है, उसके लिए जो है ये वर्क करती है। और इसकी बात करें, ये एस्टेब्लिश जो है वो कब हुई थी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये 2001 में जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 8 है, रिसेंटली एनी रॉस पास अवे, ही वॉज अ फेमस, जो आपके जो है एनी रॉस जो है उनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया था, वो जो है वो क्या थे, वो जो है किस क्षेत्र से जो है वो संबंध रखते थे, और इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है, ये संबंध रखते थे, ये एक सिंगर थे, एक गायक थे, और इनका जो है वो 89 एज में जो है वो अभी निधन हुआ है, और ये जो है एक जाज सिंगर थे, और 1915 के जो है वो सक्सेसफुली इनकी मूवीज रही हैं, और इन्हें जो है वो ग्रैमी अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया गया है। तो ये ग्रैमी अवार्ड जो है वो किन्हें दिया जाता है, जो सिंगर होते हैं उन्हें ग्रैमी अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एम्बुलेंस फॉर सिक ट्रीज, तो किस स्टेट या फिर आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यावरण विभाग द्वारा जो आपके बीमार पेड़ रहते हैं उनके उपचार के लिए एम्बुलेंस सेवा जो है वो शुरू करने का निर्णय लिया है, तो कौन से आपका केंद्र शासित या फिर राज्य है जिसके द्वारा एम्बुलेंस सेवा को जो है वो शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो आपके बीमार पेड़ों का उपचार है उसके लिए, तो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। उसके द्वारा जो है जो आपके सिक ट्रीज रहती हैं उनके उपचार के लिए एम्बुलेंस सेवा जो है शुरू की गई है। तो अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो ये जो है वो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 में जो है वो इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और इसके जो है एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो वो है यूपी सिंह बंडोर जो है वो इसके प्रेजेंट के जो है एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और इसके अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 86% जो है वो इसकी लिटरेसी रेट है, और लोकसभा में सीट इसकी बात करें तो 1 सीट जो है वो इसकी लोकसभा में है, तो आपका जो है इसमें राइट आंसर रहेगा सी, चंडीगढ़ द्वारा जो है वो सिक ट्रीज के ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, तो चंडीगढ़ से रिलेटेड एक दो बातें रह गई, जो आपकी ड्रीम सिटी है, जो फर्स्ट ड्रीम सिटी जो है वो किसे बनाया गया था, फर्स्ट ड्रीम सिटी जो है वो किसे बनाया गया है, चंडीगढ़ को बनाया गया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उसे बनाया गया था। और फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो इसमें फेस्टिवल रहेंगे जो आपका रोज फेस्टिवल है, रोज फेस्टिवल जो है जो फेमस है, ये रोज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जो जाकिर हुसैन रोज गार्डन है वहां पर जो है फरवरी मंथ में जो है ये मनाया जाता है। और एक और फेस्टिवल है मैंगो फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल जो रहेगा वो मनाया जाता है मानसून के टाइम पर, और जो सुखना लेक है वहां पर जो है ये मनाया जाता है। तो ये जो है वो कुछ फैक्ट्स रह गए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टाइड अप विद एकोसेल ऑटो इंश्योरेंस, जो किसने जो है वो ऑटो बीमा बेचने के लिए एको इंश्योरेंस के साथ जो है वो समझौता किया है, तो
इनमें से जो है वो कौन है जिसने जो है वो एको के साथ जो है वो समझौता किया है? तो वो आपका रहेगा अमेजोन, अमेजोन के द्वारा जो है ये किया गया है। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड 2 ईयर जेल टर्म, ₹1 लाख फाइन फॉर नॉट वियरिंग मास्क एंड वायलेटिंग कोविड प्रोटोकॉल्स। जो किस स्टेट द्वारा जो है वो कोविड-19 के चलते अगर आप प्रोटोकॉल का जो है वो उल्लंघन करते हैं तो 2 साल की जो है वो सजा, और अगर आप जो है मास्क नहीं पहनते हैं तो आपको 1 लाख का जो है वो फाइन हो सकता है। तो किस राज्य द्वारा जो है ये घोषणा की गई है? तो इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, झारखंड द्वारा जो है ये ऑप्शन ये घोषणा की गई है कि अगर आप जो है कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल रखा गया है उसका उल्लंघन करते हैं तो आपको 2 साल की जो है वो सजा हो सकती है, और जो आप मास्क जो है वो नहीं पहनते हैं तो 1 लाख का जो है वो आपको फाइन हो सकता है। तो कौन सी स्टेट है आपकी? झारखंड। तो झारखंड के बारे में कहें तो इसकी जो कैपिटल है वो रांची है, रांची इसकी कैपिटल है। और सीएम की बात करें तो आपके सीएम है यहाँ के हेमंत सोरेन, जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स की, तो 81 जो है सीट्स यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हैं। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की सीट्स रहती हैं यहाँ से, लोकसभा की हैं 14 और राज्यसभा की हैं यहाँ पर 6 सीट्स जो है वो रहती हैं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, झारखंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 12 है, रिसेंटली अमरा शंकरा पास्ड अवे, शी वाज अ फेमस, जो आपकी अमला शंकरा है उनका जो है हाल ही में निधन हुआ है, तो वो जो है किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? तो इसमें से जो है वो कौन सा क्षेत्र से संबंध रखती हैं? वो जो है एक कोरियोग्राफर हैं और उनका जो है हाल ही में निधन हुआ है। और ये जो है वो वेस्ट बंगाल से जो है संबंध रखती हैं, तो इन्हें जो है वो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बांगा विभूषण जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया था, अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था 2011 में। और इनका जो है वो हाल ही में निधन हो गया है, ये एक कोरियोग्राफर थी और इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 13 है आपका, एंड लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट में आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो ऑनलाइन कोचिंग भी जो है वो प्रोवाइड करवाता है, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोर्सेज के बारे में जो है वो डिटेल में इंफॉर्मेशन वहां से आपको मिल जाएगी। आप जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी जो है कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर ज्वाइन करें, तो इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स रहती हैं आपकी, जो भी नोटिफिकेशन हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा जो है निकाली जाती हैं, तो उससे रिलेटेड अपडेट भी आपको वहां पर दे दी जाती हैं। और जो आपके करंट अफेयर्स रहते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे जो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर एंड आपका रहता है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी जो आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां पर जाकर जो है आप हमारे जो है क्लासेस के जो है डेमो क्लासेस जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट को जो है वो जरूर विजिट करें। तो थर्ड 13 क्वेश्चन रहेगा आपका,
IPL 13 is set to be played from September 19 to November 8 in which of the following country? तो जो आपका IPL है वो जो है वो IPL 13 है वो September 19 से November 8 में जो है वो खेला जाएगा, तो किस देश में जो है वो IPL खेला जाएगा इस बार? तो इसमें जो है वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूएई में जो है वो ये खेला जाए, शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि इंडिया में जो है वो कोरोना के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इस स्थिति के चलते जो है आपका जो आपका आईपीएल है वो शिफ्ट कर दिया गया है यूएई में। तो इंडिया, तो बात कर रहे हैं यूएई की, तो आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग है इसकी फुल फॉर्म, और फर्स्ट एडिशन जो है वो इसका, फर्स्ट एडिशन की बात करें तो 2008 में जो है वो खेला गया था, और इसमें जो है वो विनर टीम रही थी आपकी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स जो है वो इसमें विनर रहते हैं, और करंट चैंपियन कौन है, कौन सी टीम है जो चैंपियन है? मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है जो चार बार जो है वो विनर रह चुकी है। और अगर हम बात करें 2020 में जो है वो कौन से एडिशन खेला जाएगा, तो 13th एडिशन जो है वो इसका जो है वो खेला जाएगा। और यूएई की बात करें तो यूएई की कैपिटल है, कैपिटल है आपकी अबू धाबी। और तो आपके जो है वो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तो आईपीएल 13 जो है वो कहाँ खेला जाएगा इस बार, कौन सी कंट्री में? यूएई में जो है वो खेला जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।